चलिए आज देखते हैं 11th चैप्टर, क्या संहिता सूत्र स्थान है 11th चैप्टर 11वां चैप्टर त्रिअक्षरीय अध्याय। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए, ये निर्देश चतुष्क चल रहा है। निर्देश चतुष्क में खुद्दाल चतुष्पाद, महाचतुष्पाद, फिर त्रिअक्षरीय अध्याय, बात कला के लिए ये अध्याय आते हैं निर्देश चतुष्क में। तो हम लोग बात करते हैं 3rd चैप्टर की ना, निर्देश का 3rd चैप्टर वो है त्रिअक्षरीय अध्याय। इसका नाम है त्रिअक्षरा, मतलब 3 अक्षरा से स्टार्ट हुआ है ना। इन्होंने बता रखा है कि कोई भी जो आगे यहाँ पे देखिए बता रखा है, पुरुषेण अनुपहत सत्व बुद्धि। ये ध्यान दीजिए कि ऐसा ये नहीं है कि श्लोक में त्रिअक्षरीय ऐसे स्टार्ट हुआ है तो पहला अक्षर से लेकर ये चैप्टर का नाम बनाया गया, ऐसे ये वाला चैप्टर नहीं है, उसका ये एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है ना, उन्होंने बता रखा है कि लोगों के जीवन में जिनके पास ऐसा पुरुष है जो जिनका अनुपहत है क्या, सत्व बुद्धि पौरुष पराक्रम। ठीक है ना, तो सत्व बुद्धि पौरुष पराक्रम जिनका अनुपहत है, मतलब जिनका सम्यक है, सम्यक रूप से सत्व है, बुद्धि है, पौरुष है और पराक्रम है, उन लोगों को यह लोक और उह लोक में, उभय लोक में हित चाहने के लिए उनको 3 प्रकार की इच्छा होती है। जिनके पास में ये होती है उनको 3 प्रकार की इच्छाएं दिखाई पड़ती हैं। हाँ, तो उसी को लेकर के इन्होंने बता रखा है त्रिअक्षरीय। अक्षरीय मतलब होता है, अक्षरा मीन्स होती है इच्छा। ठीक है, त्रि मीन्स 3 प्रकार की इच्छाएं होती हैं लोगों को। तो इन्होंने बता रखा है, देखिए निर्देश में इन्होंने बता रखा है कि यह लोक मतलब आयुर्वेद क्या है, लोक द्वय हितकारी बताया गया है। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि तस्य आयुष पुण्यतमो वेदो वेद विदामतम वच्छन्ते यन्मनुष्याणाम लोकयो उभयोर्हितम्। ठीक है ना, उभय लोक हितकर होती है ये, तो इसलिए इन्होंने बताया कि उभय लोक सिद्धि का आरोग्य लाभ पर ही निर्भर करती है। तो इस लोक में प्राणरक्षणा धनरक्षणा प्रधान होती है, उसके बाद में परलोकरक्षणा होती है। उभय लोक के लिए परलोकरक्षणा बता रखे हैं। त्रिअक्षरा क्या होती है, तो प्राणरक्षणा धनरक्षणा परलोकरक्षणा। ठीक है ना, तो प्राण अर्चना और धन अर्चना क्या है, यह लोक उभय कर यह लोक हित कर होती है, जबकि परलोक अर्चना मतलब वह लोक के लिए हम बात कर लेते करते हैं ना, परलोक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, उसमें हमारा हित कैसे होगा, उसकी जो इच्छा रखते हैं उसको इन्होंने बता रखा है परलोक अर्चना इसको कहते हैं। तो समझ रहे हैं, तो मनुष्यों के पास में जिनकी तत्व बुद्धि पौरुष और पराक्रम जिनका अनुभव होती है, मतलब जिनका ठीक ठाक होती है, ऐसे लोगों को इस लोक और ऊपर लोक में कल्याण करने के लिए उनको 3 प्रकार की इच्छाएं होती हैं, प्राणार्चना, धनार्चना, फिर परलोकार्चना। प्राणार्चना का मतलब क्या है, प्राण जिनको लंबी आयु चाहिए ना, दीर्घन जीवती अध्याय से आप देख रहे हैं ना, चैप्टर का स्टार्टिंग हुआ दीर्घन जीवती अध्याय, आयुष्कामी है अध्याय, तो आयु चाहिए मतलब उनको प्राण चाहिए, मतलब उनको लाइफ चाहिए, जिंदगी होनी चाहिए, इसके लिए उन्होंने बोल रखा है कि ये प्राणार्चना है। ठीक है, फिर अगला है कि जब आपके पास में जिंदगी है, प्राण है, तो आपको धन चाहिए ना। ठीक है, धन होना चाहिए उसको, उसका उस जीवन का उपभोग करने के लिए धन होना चाहिए। फिर इन सब के बाद में आपको विचार करना चाहिए परलोक ऐसा की, मतलब परलोक की बाद में विचार करना है। ठीक है ना, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान दीजिएगा। तो उपनिषदों में क्या आया हुआ है, वित्त ऐसा, पुत्र ऐसा, लोक ऐसा, ये 3 प्रकार की ऐसा बताई गई है। ठीक है, उपनिषदों में, जबकि भेल संहिता में क्या बता रखे हैं, बताया गया है तीसरे को धर्मार्चना इन्होंने बता रखा है, मतलब प्राणार्चना धनार्चना तो ठीक है, परलोकार्चना को इन्होंने बोल रखा है कि धर्मार्चना। धर्मार्चना सेम चीज है, धर्म हो चाहे परलोक हो तो धर्म से ही प्राप्त होगा, इसको चरक में परलोकार्चना ही बोल रखा है। ठीक है, तो ध्यान, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ टर्म का डिफरेंस है, वो आप ध्यान रखिए इसको। अच्छा, इन्होंने ये देखिए उपनिषदों से आया हुआ है, उपनिषदों ने क्या बोल रखा है कि वित्त ऐसा, पुत्र ऐसा और लोक ऐसा, मतलब क्या है कि वित्त ऐसा, इन्होंने देखिए सभी इच्छाओं को उन्होंने 3 कैटेगराइज किया, इच्छाओं को सभी इच्छाओं को उन्होंने 3 भागों में विभक्त किया है। हाँ, मनुष्य की जितनी भी इच्छाएं हैं, तो वित्त ऐसा रहा पहला, फिर उसके बाद में पुत्र ऐसा, फिर लोक ऐसा, ये 3 तरह का विभाग उन्होंने बता कर रखा हुआ है। तो देखिए क्या है, वित्त ऐसा का मतलब क्या होता है, आत्मरक्षा संबंधी जितनी भी इच्छाएं होती है उसको वित्त ऐसा कहते हैं। वित्त ना अपने बारे में जो है ना, अपने बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में, वृत्ति के बारे में, सब बोलते हैं ना हमारी ये दिनचर्या है, तो आत्मरक्षा या आत्मा मतलब अपने प्राणों के रक्षा संबंधी जितने भी विचार होते हैं, जितनी भी इच्छाएं होती है, उसको उन्होंने बता रखा है कि ये वित्त ऐसा में आती है। पुत्र ऐसा क्या होती है, संतान संबंधी, संतान संबंधी जितनी भी इच्छाएं होती है वो क्या है, पुत्र ऐसा।
लोक रचना समाज संबंधी जितनी इच्छाएं होती हैं वो सभी क्या है, लोक रचना कहलाती है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये टेबल के भी फॉर्म इन्होंने बता रखा है, इससे आत्म रक्षा संबंधी इच्छाएं क्या होती है, संवेग भी उसको बोलते हैं, संवेग मतलब इमोशंस जो होते हैं, ठीक है, या इच्छा उसी को कहते हैं। जैसे कि हमें क्या चाहिए वित्तषणा के लिए, भोजन, खोजना, भूख, भागना, भय, लड़ना, क्रोध, उत्सुकता, आश्चर्य, ये सब इमोशंस जुड़े होते हैं वित्तषणा से संबंधित। ठीक है, दया, शरणागत होना, घृणा, संग्रह, संग्रह की भावना, रचना तत्संबंधी आनंद, ये सब जितने भी हैं आप इसको एक बार देख लीजिए। पुत्र रचना संबंधी क्या होती है, कामकर, बाल रक्षा और प्रेम, ये सब जो होती है वो पुत्र रचना से संबंधित है। लोक रचना समाज संबंधित संवेग जो होते हैं, दूसरों की इच्छा, अकेलापन, आत्म प्रकाशन, उत्साह, विनीत भाव, आत्महीनता, अपना प्रसन्नता, ये सब क्या है समाज संबंधी मतलब ये सोशली इमोशंस है, सोशल इमोशंस है। इस तरह से हम टोटल काउंट करते हैं ना, देखते हैं 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां मानी गई हैं, या 14 संवेग बोला गया है इनको। ठीक है ना, तो ये इस तरह के इमोशंस होते हैं टोटल, ये सब 14 इमोशंस को इन्होंने कैटेगराइज कर रखा है 3 भागों में, ये उपनिषदों में मतलब प्राचीन ऋषियों ने इस तरह से बता रखा है। उस पर आपको ज्यादा नहीं जानना है, आप मेनली फोकस करिए प्राण रचना, धन रचना और परलोक रचना पे। तो प्राण रचना के बारे में इन्होंने बता रखा है कि प्राण रचना क्या होती है। तो प्राण रचना के बारे में है सबसे पहले कि 3 आशाओं में सबसे पहले प्राण रचना आया हुआ है। ठीक है, प्राण रचना सबसे पहले आया हुआ है। ठीक है, तो प्राण रचना क्यों पहले आया हुआ है, तो बिना लाइफ के इन्होंने बोला कि 3 प्रकार की इच्छाएं होती हैं या 3 प्रकार की रचनाएं होती हैं, इसमें सबसे पहले प्राण रचना आती है। प्राण रचना ही सबसे पहले क्यों बताया गया है, इन्होंने बोला जैसे कि आप जानते हैं कि धर्म अर्थ काम हाँ आरोग्य, धर्म अर्थ काम मोक्ष, आरोग्य मूलम उत्तम, आरोग्य ही सबका मूल है, मतलब प्राण ही सबका आगे का भी रचनाओं का मूल है ना। धर्म रचना चाहिए, परलोक रचना चाहिए, तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास में आयु हो, प्राण हो, तभी तो हम आगे की इच्छा रख सकते हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने की वजह से इसको सबसे पहले रखा हुआ है। और इन्होंने बोला कि जो भी आप स्वास्थ्य रक्षा के लिए, प्राण की रक्षा के लिए, जो भी स्वस्थ मनुष्य को स्वस्थ का पालन कैसे करना चाहिए, रोगी मनुष्य को रोग की चिकित्सा करनी चाहिए, ये सब जो सावधानी रखनी चाहिए वो चीजें हमने स्वस्थ का चीजें पहले ही डिस्कस कर दिया। रोगी की चिकित्सा का वर्णन हम आगे करेंगे, तो उसको भी आप यहाँ पे ये सभी जो रूल्स रेगुलेशन होंगे सबसे संबंधित स्वस्थ और रोगी की चिकित्सा से संबंधित जितने भी रूल्स रेगुलेशन होंगे वो सब प्राण रचना में ही आएगा। ठीक है, अगला देख लीजिए, अगला आता है धर्मशरण। धर्मशरण क्या होती है, धनशरण। तो धनशरण के बारे में क्या है, इन्होंने बता रखा है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर बता रखा है न ही अतः पापात पापियो अस्ति यद अनुपकरण से दीर्घम आयु, बोल रखा है यहाँ पे कि इससे बड़ा दूसरा कोई पाप नहीं होता है जिनके पास दीर्घ आयु होती हुई भी उसका उपकरण नहीं है, मतलब अनुपकरण से मतलब उसको उपभोग करने का कोई भी साधन नहीं है, इससे बड़ा कोई भी पाप नहीं बोला गया है दुनिया में। मतलब क्या है कि आपके पास यदि लंबी जिंदगी है तो जरूरी है कि आपको उसका कोई साधन, उसको उपभोग करने का कोई साधन भी होना चाहिए, मतलब पैसे की आवश्यकता कितनी जबरदस्ती उन्होंने बता रखी है कि आपको कोई ना कोई एक वृत्ति उपाय होना चाहिए ना, तो कमाने का एक जरिया होना चाहिए। तो ये नहीं कि आप जिए जा रहे हो, निठल्ले पड़े हो, नल्ले पड़े हुए हो, इस तरह से नहीं होना चाहिए। इन्होंने बोला ये सबसे बड़ा पाप है कि आपके पास में लाइफ है और कुछ आप नहीं करते हो, मतलब आपको करना कितना बड़ा जरूरी है, कि आचार्यों ने भी बोला कि यदि आप फालतू तो बैठे हो तो ये सबसे बड़ा पाप है ना। तो आप कुछ ना कुछ करते रहिए, कुछ ना कुछ इस तरह से उपाय ढूंढिए जिससे आप कुछ कमा सके। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि फिर हमें करना क्या चाहिए, तो इन्होंने बोला है कि जिस तरह से कुछ उपाय हैं जैसे कृषि है, पशुपालन है, वाणिज्य, राज उपसेवी आदि नाम ना आदि नहीं, इस तरह से कुछ एग्जाम्पल उन्होंने बता रखा है, कृषि करिए, पशुपालन करिए, वाणिज्य वाला बिजनेस वाला काम करिए, राज्य उपसेवनी है ना, गवर्नमेंट सर्विस करिए। देख रहे हैं ना, तो ये इस तरह के सीक्वेंस में बताया है कि सबसे आसान क्या है, कृषि, हाँ कुछ नहीं है तो आप खेती करिए, नहीं है तो फिर पशुपालन करिए, फिर उससे ज्यादा टफ क्या है, मतलब कृषि में कोई खर्च नहीं, देख रहे हैं ना, फिर पशुपालन में थोड़ा सा आपको बजट होना चाहिए, फिर वाणिज्य काम करेगा जिनके पास थोड़ा सा और ज्यादा होगा, राजोपसेवनी के लिए इन्होंने बता रखा है कि ये तो गवर्नमेंट सर्विस है, गवर्नमेंट सर्विस आजकल आप देख ही रहे हैं ना ठप होती जा रही है, तो जो आसानी से कठिन की तरफ इन्होंने, इस तरह से अभी आप समझ सकते हैं, इस तरह से इन्होंने कुछ एग्जाम्पल बता रखा है। और भी इन्होंने बोला है कि यानी च अन्यान अपि, और भी इसके अलावा सताम
सताम अविग्रहितानि कर्माणि ना, वृत्ति पुष्टि कराणी। तो इन्होंने बोल रखा है कि इसके अलावा भी अन्य कोई भी जो अविग्रहितानि मतलब ऐसे सताम मतलब सज्जनों के द्वारा जो मना निंदनीय जो कर्म नहीं है, इस तरह के कोई भी अन्य कर्म करना चाहिए जो कि वृत्ति पुष्टि कराने है ना, जो कि पैसे को पुष्टि कर मतलब अच्छा पैसा देने वाला कोई भी कर्म है उसको करना चाहिए। मतलब क्या है, जैसे इन्होंने बता रखा है सज्जन के द्वारा जो निंदनीय कर्म ना हो, जैसे चोरी करना, डकैती करना ना, छिनौती करना, ये सब जो है वो सब क्या है, निंदनीय कार्य है। तो ऐसे कार्य मत करिए जो मतलब समाज में प्रतिष्ठित कोई कार्य है वही आप कुल करिए जिसमें वृत्ति पुष्टि करानी हो, ठीक है ना। इस तरह से इन्होंने बता रखा है धनार्जना के बारे में। अगला जो चीजें इन्होंने बता रखा है परलोकेष्टा के बारे में, परलोकेष्टा के बारे में अभी देखिए कंफ्यूजन है लोगों को, ठीक है ना। दीर्घ आयु धन की प्राप्ति के बाद में फिर तीसरा इच्छा क्या होती है, परलोक की, मतलब हम फिर अगला जन्म के बारे में सोचते हैं, पुनर्जन्म मतलब हम अगला मोक्ष के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, ठीक है। तो अब पुनर्जन्म होती है या नहीं होती है, या परलोक होता है कि नहीं होता है, ये सब क्या जो नास्तिकवादी हैं वो तो एकदम मानने को तैयार नहीं होते, जो प्रत्यक्षवादी हैं वो मानने को तैयार नहीं होते हैं कि परलोक भी होता है, पुनर्जन्म को ही वो नहीं मानते, परलोक को ही वो नहीं मानते। जो आस्तिक होते हैं वही कुछ को मानते हैं, वो लोग शास्त्र प्रमाण से ही पुनर्जन्म को मानते हैं और परलोक को भी मानते हैं, और शास्त्रों में लिखा हुआ है इसलिए हम मानते हैं। कौन बोलते हैं, ये आस्तिक लोग, ठीक है। तो इसके ऊपर इन्होंने यहाँ पर डिस्कशन करना शुरू कर दिया है कि देखिए अपुनर्भववादी मतलब जो पुनर्जन्म को कौन लोग कैसे मानते हैं, तो प्रत्यक्षवादी एक तो है ना, वो बोलते हैं कि प्रत्यक्षवादी बोलते हैं पुनर्जन्म नहीं होता है, हम तो देखे नहीं है कभी ना। श्रुतिवादी जो होते हैं, श्रुतिवादी जो शास्त्र में विश्वास करने वाले होते हैं, वो लोग बोलते हैं कि नहीं होता है, उनका मानने की थ्योरी ये है कि मातृ पितृवादी होते हैं, वो लोग बोलते हैं माता पिता की वजह से पुनर्जन्म होती है। कुछ लोग बोलते हैं ये स्वभाव से ही होता है, जन्म जो होती है पुनर्जन्म वो स्वभावतः ही हो जाती है ना, जिससे हर चीज उत्पन्न होती है। जैसे आप देखते होंगे वहाँ गंदा कपड़ा होता है तो उसमें जो है जो लाइस वगैरह होते हैं या माइक्रोब्स होते हैं वो स्वभावतः ही उत्पन्न हो जाते हैं ना। तो इस तरह से इन्होंने बता रखा है। तो पर निर्माणवादी क्या है, पर निर्माणवादी बोलते हैं वो दूसरे की वजह से होता है, दूसरे कोई कारण होते हैं जिसकी वजह से पुनर्जन्म होती है। यदृच्छावादी भी कुछ होते हैं, यदृच्छा मतलब यदृच्छा मतलब ये अपने इच्छा से हो जाते हैं, अपने से ही होते हैं, तो इसको इन्होंने बोल रखा है कि यदृच्छा। एक एक को हम देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियर होगा। तो देखिए पुनर्जन्म को अप्रत्यक्ष परोक्ष होने के न कारण में कारण न मानने वाले पक्ष की संख्या का समाधान क्या है। जो लोग कहते हैं कि नहीं सिर्फ प्रत्यक्ष वो हमें पुनर्जन्म दिखाई नहीं पड़ता है, प्रत्यक्ष ही हम सिर्फ मानते हैं, तो उसकी प्रत्यक्ष की वजह से वो दिखाई नहीं पड़ने की वजह से हम पुनर्जन्म या परलोकेष्टा को नहीं मानते, तो उन पक्ष के साथ शंका समाधान कैसे करते हैं। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि प्रत्यक्षम ही अल्पम, प्रत्यक्षम ही अल्पम ना, ठीक है, न अल्पम अप्रत्यक्षम अस्ति, न अल्पम अप्रत्यक्षम अस्ति ना। इन्होंने बोला कि प्रत्यक्ष जो होता है ना बहुत ही अल्प होता है, बहुत ही कम है। आप के मान के चलिए कि 0.0000 करके 1 लगाइए ना, तब जाके उतना ही सिर्फ अप्रत्यक्ष कर पाते हैं। अब बाकी जो ब्रह्मांड है वो ना वो क्या है, अप्रत्यक्ष है। तो जब आप प्रत्यक्ष पर ही विश्वास करते हैं तो सोचिए मतलब आप 1% भी आपको नहीं वो प्रत्यक्ष हो पाया करता, तो पूरी दुनिया का 1% भी आप नहीं देख सकते हैं सिर्फ एक ही प्रमाण मानेंगे। तो हमारे पास में 4 तरह की प्रमाण बोली गई है ना, प्रत्यक्ष है, अनुमान है, फिर युक्ति है, ठीक है, आप तो उपदेश है। तो इन सब पर आपको विश्वास ही नहीं होगा, तो इन सब में जो चीजें लिखी हुई है जब प्रत्यक्ष ही को लेकर आता है तो हम एक ही प्रमाण की बात करते, बाकी प्रमाण की बात ही नहीं करते। तो इसलिए इन्होंने बोला कि प्रत्यक्षम ही अल्पम, मतलब प्रत्यक्ष जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, न अल्पम ही अप्रत्यक्षम अस्ति ना, कि जो अप्रत्यक्ष होते हैं वो अल्प नहीं है, वो बहुत ज्यादा है ना। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, पहले तो आप प्रत्यक्ष के अलावा भी और प्रमाणों को मानिए ना, सिर्फ इस तरह से इनका संघर्ष समाधान हो गया कि जब आप जो अप्रत्यक्ष यदि मानते हैं, अप्रत्यक्ष किसके थ्रू में करते हैं, इंद्रियों के थ्रू में करते हैं, इंद्रियां स्वयं ही अप्रत्यक्ष होती हैं, ठीक है ना, इंद्रियां जो होती है वो स्वयं ही अप्रत्यक्ष होती है, मतलब आप अपने इंद्रियों पर भी विश्वास नहीं करते हैं तो पुनर्जन्म पर कैसे विश्वास करेंगे, ठीक है। तो ये इनका संघर्ष समाधान हो गया। तो इस तरह से इन्होंने बोल रखा है कि प्रत्यक्ष के ज्ञान में बाधक हेतु क्या क्या होते हैं, यहाँ पर अष्ट ज्ञान प्रत्यक्ष बाधक कारण में यहाँ पर बता रखा है, ठीक है। तो वो कौन कौन है देख लीजिए यहाँ पे, सत्ताम च रूपाणाम अति सन्निकर्षात्, अति
सन्निकर्ष आता, अतिविक्रकर्ष आता है ना, अत्यधिक सन्निकर्ष में आप अत्यधिक पास में पड़ा हो इंद्रियों के तब भी नहीं देख पाएंगे ना, कोई भी चीज देखना होता तो एकदम पास में तो भी नहीं देखेंगे, बहुत दूर होगा तब भी नहीं देख पाएंगे। आवरणात कोई सी चीज से ढका हुआ है तब भी नहीं देख पाएंगे। कर्ण दौर्बल्य आंखों की कमजोरी होगी, प्रत्यक्ष इंद्रिय की कमी हो जाए, पिछल इंद्रिय की कम मतलब दुर्बलता हो जाए तब भी नहीं देख पाएंगे। मनो अनुष्ठनात मन का स्थिरता न होने की वजह से भी नहीं दिखाई पड़ती है ना ना ठीक है, हमारा भी हमारा जो हम किसी और चीजों के विचार किए जा रहे हैं, मन हमारा कहीं और पे है और हम देखे कुछ और जा रहे हैं, लेकिन उसका हमें अच्छे से संयोग नहीं हो पाएगा, मन से संयोग न होने की वजह से, बुद्ध आत्मा से संयोग न होने की वजह से वो चीजें प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगी। समानाभिहार समान चीजों का एक दूसरे में मिल जाने की वजह से नहीं दिखाई पड़ती है। अभिभव 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 का मतलब क्या होता है, अभिभव मतलब एक से दूसरे को ढक जाना, जैसे हम सूर्य की वजह से जो है चादों का ये तारों का चादों का तारे और चाँद ये सब ढक जाते हैं, ठीक है। अभिभाव स्वच्छ में त्यात अति संक्षिप्त में मतलब अत्यधिक सूक्ष्म होने की वजह से भी नहीं दिखाई पड़ती है। तो इस तरह से जो चीजें हैं ये सब जो है प्रत्यक्ष में बाधा कारण है, तो इन्होंने बोला कि ये तो आप आराम से ऐसे ही देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम समझ लीजिए कि जितने भी चीजें हैं वो हर चीजें प्रत्यक्ष ही नहीं होती है ना, तो प्रत्यक्षम ही अल्पम, प्रत्यक्ष तो अल्प ही है, अनल्पम ही अप्रत्यक्षम, जो अप्रत्यक्ष होते हैं वो बहुत होते हैं, इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण पर ही विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगला देख लीजिए, जो श्रुतवादी हैं, श्रुतयश्च एताम न कारणम ना, इन्होंने बोला जो श्रुतवादी है वो लोग क्या है, वो अलग अलग शास्त्रों पर विचार करते हैं, तो शास्त्रों में क्या क्या जो अलग अलग शास्त्रों में लिखा हुआ है वो अलग अलग विचार बता रखे हैं, वो क्या क्या है, लेकिन वो लोग भी पुनर्जन्म को नहीं मानते। वो लोग किसको बोलते हैं, वो कहते हैं कि माता पिता को ही कारण मानते हैं ना, माता पिता को ही जन्म का कारण मानने वाले पच्चीस का समाधान देख लीजिए। हाँ, जो लोग कहते हैं कि नहीं माता पिता ही जन्म का पुनर्जन्म का उत्तरदायी होते हैं, उसके लिए उत्तरदायी होते हैं, तो ऐसा होता है क्या, तो ये भी बोलने वाले ये गलत बोल रहे हैं, ठीक है ना। इसके बारे में ये देख लीजिए, इन्होंने बोल रहा है कि ये लोग बोलते हैं कि माता पिता के ही जो अगला जो संतान होता है माता पिता का ही अंश होता है, मतलब क्या है, अंश का मतलब क्या, आत्मा तो एक ही होती है, ठीक है, माता पिता आत्मा तो एक ही होती है, तो उसका न तो कोई अवयव होता है ना, तो या ये तो होता नहीं है कभी कि जब उसका संतान पैदा होता है तो उसकी आत्मा संतान में गमन कर जाती है, ऐसा होता तो फिर माता या पिता से किसी एक की मृत्यु हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। और दूसरा चीज है कि या तो दूसरा पक्ष है कि आत्मा का अवयव गमन करे, लेकिन ऐसा भी नहीं देखा जाता है। हाँ, आत्मा का कोई अवयव तो होता नहीं है, हम उसको काट तो सकते नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये देखते हैं कि एक मिनट, ठीक है, तो ये हो गया। आगे देख लीजिए, आगे इन्होंने बोल रखा है कि बुद्धि और मन के विषय में यह निश्चित हो चुका है कि ये भी आत्मा की तरह सूक्ष्म ही होते हैं। हाँ, ये अवयव रहित होते हैं, ठीक है, तो इसके वजह से भी इनका भी माइग्रेशन नहीं होता है, मतलब ये भी नहीं है कि माता पिता से आत्मा बुद्धि और मन का बच्चों में जो है वो गमन हो, ऐसा नहीं देखा जाता है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अगला जो है वो इन्होंने बता रखा है जो स्वभाव को ही जन्म कर्म मानने वाले पच्चीस संख्या का समाधान है, इन्होंने बोला कि स्वभाव से हर चीजें नहीं होती है, हर चीज अपने से ही नहीं पैदा होती है ना, उन्होंने बोला कि जिस तरह से आप समझते हैं ना कि पृथ्वी जल वायु तेज और आकाश और आत्मा इन छह धातुओं का जो है वो अपने लक्षणों से ही होते हैं, उनके स्वाभाविक जानना चाहिए, ठीक ना। लेकिन इन्होंने बोला कि इन सब का जो संयोग होता है और वियोग होता है इसका भी एक कारण होता है, वो क्या है, संयोग वियोग का जो कारण है वो क्या है, कर्म है, ठीक ना, कर्म के वजह से इनका संयोग और वियोग होता है, ठीक है ना। संयोग च विभाग च कारण द्रव्य मास्तम, ऐसे इन्होंने बोल रखा है ना, तो जब तक कोई कर्म नहीं होगा तब तक वो स्वभाव से ही कोई भी चीजें संयोग या वियोग को प्राप्त नहीं करती है, तो इसीलिए जो स्वभाव को ही जन्म का कारण मानते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जब तक कर्म नहीं होगा तब तक वो स्वभाव से हर चीजें पैदा नहीं होती है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इन्होंने बता रखा है ना, हर चीजें स्वभाव से नहीं होती है, कोई भी कार्य होता है तो उसका कारण होता है, तो कारण या कर्म होना चाहिए, वहां पे कोई ना कोई कर्म है जिसकी वजह से वो अगला कार्य दिखाई पड़ रहा है, ठीक ना, तो कारण की वजह से ही कार्य की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो वो कर्म क्या है, तो कर्म वही है जो जीवात्मा के जो कर्म होते हैं जिसको जो ट्रांसमाइग्रेट होता है वो कर्म ही है जिसकी वजह से उसका पुनर्जन्म होता है।
ठीक है। अगला, पर निर्माण को जन्म का कारण मानने वाले पशु की संख्या, जो लोग बोलते हैं कि नहीं दूसरे की वजह से, दूसरे से पुनर्जन्म होता है, तो ये आत्मा इन्होंने यहाँ पर बता रखा है जो अनादि चेतन धातु है उसका पर निर्माण अर्थात दूसरे के द्वारा निर्माण नहीं हो सकता है। यदि पर शब्द ईश्वर माना जाए तो पर निर्माण माना अभिष्ट होगा, लेकिन ऐसा मानते नहीं है लोग। ये लोग बोलते हैं कि दूसरे से होता है, दूसरे का मतलब कौन करता है, तो ये कंफ्यूज है, ठीक है। तो ये सर्वमान्य नहीं है, ठीक ना, किसी आत्मा किसी और के द्वारा नहीं बनाई जाती है, ठीक है। यदृच्छा को जन्म कारण मानने वाले पक्ष का समाधान, यदृच्छावाद से उपहत आत्मा वाले नास्तिक के मत में परीक्षा, परीक्षा का विषय, कर्ता कारण, देवता, ऋषि, सिद्धि, कर्म, कर्म का फल, आत्मा आदि कुछ भी नहीं होता है। ये लोग बोलते हैं, ये नास्तिक होते हैं, ये बोलते हैं हर चीजें जो होती है वो ऐसी हो जाती है। तो इस प्रकार के नास्तिकों का यह ग्रह सभी पापों से बढ़कर महापाप है। ये लोग जो इस तरह से बोलते हैं तो ये एकदम ही बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं कि हर चीजें स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है, अपने से उत्पन्न हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, यदृच्छा नहीं होता है। हाँ, यदृच्छावादी ये उत्तर देगा कि यूं ही भूख की शांति हो जाती है, बिना खाए ही भूख की शांति हो जाती है, ऐसा होता है, नहीं होता है, अभी जानते हैं, ठीक है। तो जैसे घड़ा का निर्माण होता है, तो घड़ा का निर्माण होता है ना, ऐसे तो घड़ा नहीं बन जाता है, वहां पर भी निर्माणकर्ता होते हैं, मिट्टी चाहिए, चक्री चाहिए, जो भी चाहिए, ये सब प्रत्यक्ष आपको दिखाई पड़ता है, अपने सही तो नहीं होता है। ये लोग जो बोलने वाले नास्तिक ये बोलते हैं स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है, इस तरह से नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए इन्होंने बोल रहा है कि इस तरह के बुद्धि को नष्ट करने के लिए उनको जरूरी है कि सज्जन पुरुषों के बुद्धि स्वरूप दीपक से उचित मार्ग को ठीक से देखें, तभी उनको ज्ञान प्राप्त होगा कि हर पुनर्जन्म की उत्पत्ति कैसे होती है ना। तो इन्होंने बोला है कि सज्जनों के द्वारा किस तरह से वो ज्ञान दिया जाता है या किस तरह से परीक्षा की जाती है। इन्होंने बोला कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं ना, द्विविधम एव खलो सर्वम सच्चा सज्जन, या तो वो प्रत्यक्ष है या तो अप्रत्यक्ष है, सत्य या असत है, सत्य मीन्स प्रत्यक्ष है, असत मीन्स अप्रत्यक्ष है। तस्य चतुर्विध परीक्षा, उनकी चार प्रकार की परीक्षा की जाती है। ये देखिए, ये एग्जामिनेशन का टूल्स बता रखा है, ठीक है ना। प्रमाणक टर्म ने यूज किया है, उन्होंने परीक्षा टर्म यूज किया है ना। वो क्या क्या है, आप्तोपदेश पहला, प्रत्यक्ष फिर उसके बाद में है, फिर अनुमान, फिर युक्ति, ठीक ना। इस तरह से इन्होंने चार प्रकार के सत और असत की परीक्षा करने के लिए बता रखा है, चार प्रमाणों का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ गया है, ठीक है। तो देखिए, पहला क्या है, आप्तोपदेश। आप्तोपदेश क्या होते हैं, रजस्तमोभ्याम निर्मुक्ता तपोज्ञान बलेन ये एसाम त्रिकालम अमलम ज्ञानम अव्याहतम सदा आप्तशिष्ट विबुद्धस्ते तेषां वाक्य असंशयम सत्यम पच्यन्ति ते कस्मात् असत्यम निरजस्तमः, ठीक है ना। तो ये इन्होंने बोला है कि जो रजस्तमोभ्याम निर्मुक्ता तपो ज्ञान बले नहीं है, ठीक ना। तो ये आप फर्स्ट में भी पढ़ के आए हुए हैं, जो रज और तम से निर्मुक्त होते हैं और तप के ज्ञान, तप के ज्ञान के बल के से, ये जो है त्रिकालम, त्रिकालम मतलब तीनों काल में, अमलम ना मतलब क्लियर, बिना किसी अशुद्धि के, ज्ञानम अव्याहतम सदा, वो ज्ञान को देखने वाले होते हैं जो कि अव्याहत है, मतलब सदा अव्याहत, बिना किसी रुकावट के ज्ञानों को देख रहे हैं। त्रिकाल, तीनों काल के ज्ञान को बिना किसी कंफ्यूजन के और व्याहत के, मतलब कंटिन्यूसली वो हमेशा देखते रहते हैं। आपता शिष्टा विबुद्धस्ते, ये तीन तरह के होते हैं, आप्त होते हैं, शिष्ट होते हैं, विबुद्ध होते हैं। तेसाम वाक्य असंशयम, और उनके वाक्य होते हैं वो संशय से रहित होते हैं। सत्यम वचन्ति ते कस्मात असत्यम निरजस्तमा, ये सत्य ही बोलते हैं, ये क्यों झूठ बोलेंगे जब इनके पास में रजोत्तम है ही नहीं, ठीक है ना। इस तरह से आपको समझना चाहिए, आप पढ़ के भी आए हुए हैं इसको। तो प्रत्यक्ष क्या होती है, तो ये लोग बोले हुए हैं कि पुनर्जन्म होती है, तो आपको विश्वास करना चाहिए, वो सत्य ही बोले हुए हैं ना, वो रजोत्तम से रहित लोग बोले हुए हैं। तो इसलिए आप तो क्या होते हैं, शिष्ट क्या होते हैं, विबुद्ध क्या होते हैं, तो ये आप लोग जान लीजिए। आप तो खलु साक्षात धर्म है ना, ठीक है। तो शिष्ट क्या होते हैं, स्वशक्ति बलेन कार्य कार्य हिताहित नित्यानित्य प्रवृत्ति अनिवृत्ति उपदेश चिकित्सा या प्रवक्तव्य, इस तरह से शिष्ट होते हैं। विबुद्ध क्या होते हैं, विशिष्ट यथार्थ होता बुद्धि प्रवर्तन थे, ये आप लोग जानते हैं, फर्स्ट ईयर में भी जान चुके हैं। अच्छा, प्रत्यक्ष के बारे में यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या बता रखा है, आत्मेंद्रिय मनोवर्थानम से निकर्षात प्रवर्तते व्यक्ता तदात्व यह बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते, ठीक है।
तो यह हो गया। अभी देखिए क्या चल रहा है हमारा। हमारा चल रहा है तो सबसे पहले मैं बोला कि त्रयस्थी होती है, प्राणेश्वर, धनेश्वर, परलोकेश्वर होती है। फिर परलोकेश्वर के बारे में कंफ्यूजन चल रहा है, परलोकेश्वर होती है, परलोक होती है, पुनर्जन्म होती है या नहीं होती है। उसके पुनर्जन्म के बारे में लोगों को क्या क्या शंकाएं रही हैं, उन शंका का समाधान चल रहा है। तो फिर उसके बाद में इन्होंने बोला कि आप लोगों को नास्तिकता को छोड़ करके आस्तिक लोगों से मिलिए। आस्तिक मतलब जो बुद्धिमान पुरुष हों, सज्जन पुरुष हैं। तो सज्जन पुरुष के बारे में बोला गया, सज्जन पुरुष जो होते हैं ना, कोई भी सत और असत चीजें होती हैं, उनकी चार प्रकार से परीक्षा करते हैं। और चार प्रकार की परीक्षा क्या है? तो आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति है। तो उसी के क्रम में हम लोग आप्तोपदेश को देखें, फिर अगला प्रत्यक्ष यहाँ पे देख लिया, फिर अगला हम लोग देखते हैं प्रत्यक्ष के बारे में ही। तो प्रत्यक्ष के बारे में ये चीजें हो गई। अगला देखिए अनुमान क्या होती है। तो इन्होंने बोला अनुमान क्या होती है, तो प्रत्यक्ष पूर्वम, प्रत्यक्षम पूर्वम त्रिविधम त्रिकालम से अनुमीयते ना। प्रत्यक्ष के साथ में ये त्रिविध त्रिकाल का अनुमान करते हैं। वहनि निगुड़ो तो धूमे न धूम निगुड़ो धूमे न मैथुनम गर्भदर्शनात एवं च व्यवसित अतीतम बीजात फलम अनागतम दृष्ट्वा बीजात फलम जातम इह जातम इह एव सदृशम बुधा। ठीक ना, इस तरह से आपको समझना चाहिए। ठीक ना, जिस तरह से उन्होंने बोला कि वाणी को धूम को देकर के वाणी का अनुमान लगाते हैं ना, गर्भ का देकर के मैथुन का अनुमान लगाते हैं। ठीक है, फिर अगला इन्होंने बोला है कि बीज को देकर के फल का भी अनागत, जो फ्यूचर में जो होने वाला फल है उसका भी आप अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने बोल रखा है कि त्रिविधम मतलब पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का, तीनों तरह का हम त्रिविधम ना, तीनों प्रकार के त्रिविधम, तीन प्रकार के तीनों काल का ना, तो पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट का ये जो है अनुमान हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अनुमान के द्वारा ये ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो होती है पंच अवयव, ये आप जानते हैं क्या क्या होती है। प्रतिज्ञा होती है, उदाहरण होती है, उपनय, निगमन ना, प्रतिज्ञा हेतु तो उदाहरण, उपनय, निगमन। ठीक है, तो इस तरह से ये जो होती हैं, ये पंचवियों के द्वारा ये हर चीजों को अनुमान करने का, ये प्रार्थना अनुमान, ये आप जानते हैं कि अनुमान दो प्रकार के होते हैं, प्रार्थना अनुमान और प्रार्थना अनुमान। मतलब किसी और को आपको समझाना है या उसको ये प्रूफ करना है किसी के लिए, तो इसके लिए इन्होंने बोला कि पंचवियों का हेल्प लेना पड़ता है। स्वयं के अनुमान के लिए कोई जरूरत नहीं है ना, कार्य कारण भाव को देख करके अपने लिए अपने ज्ञान का अनुमान कर सकते हैं आप ना। तो लेकिन किसी और को समझाने के लिए क्या करना चाहिए, वहां पे प्रतिज्ञा हेतु दिखाइए, फिर उसके बाद में उदाहरण दिखाइए, फिर उपनय करिए, फिर लास्ट में निगमन होगा। इस तरह से उसको वो आप प्रूफ कर पाते हैं। ठीक है, त्रिविध क्या होती है, पूर्ववत, शेषवत, सामान्य, सामान्यतो दृष्ट, ये त्रिविध हो गया। तो इस तरह से आप इसको पढ़ के आए हुए हैं। अब अगला हम लोग देखते हैं युक्ति, युक्ति प्रमाण के बारे में। युक्ति प्रमाण के बारे में उन्होंने बता रखा है, तो जल कर्षण बीज ऋतु संयोगात सस्य संभव, युक्ति षड धातु संयोगात गर्भाणाम संभवस्त था। ठीक है ना, मंथ मंथन मंथान संयोगात अग्नि संभव, युक्ति युक्त चतुष्पाद संपद व्याधि निर्वहणे। ठीक है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक इन्होंने बता रखा है कि जिस तरह से क्या होती है, जल, भूमि, बीज और ऋतु का संयोग होने से सस्य का मतलब सस्य पौधे का, प्लांट का संभव होता है ना, वहाँ प्लांट उगता है। और इसी तरह से षड धातुओं का संयोग होने से गर्भ का संभव होता है, और मंथ मंथन मंथान इसका संयोग होने से अग्नि का संभव उत्पत्ति होती है। और चतुष्पाद के संयोग होने से ही व्याधि का व्याधि दूर करने में संभव होती है। तो ये सब युक्ति के एग्जाम्पल है। तो इसलिए फिर युक्ति का डिफिनेशन क्या है, तो बुद्धि पश्यति या भवान, बुद्धि पश्यति या भवान बहु कारण योग जान बुद्धि युक्ति त्रिकाला साग या त्रिवर्ग साधित्य। त्रिवर्ग क्या होते हैं, इन्होंने बताया है कि धर्म, अर्थ और काम। धर्म, अर्थ और काम, इन तीन वर्गों की सिद्धि होती है, इसको त्रिवर्ग कहते हैं। ध्यान दीजिए, पुरुषार्थ चतुष्टय, जब जो मोक्ष इसमें जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, पुरुषार्थ चतुष्टय। इनके जो मोक्ष के अलावा जो होती है उसको क्या कहते हैं, धर्म, अर्थ, काम, इन सबको त्रिवर्ग बोलते हैं। ठीक है ना, तीनों काल का ये भी ज्ञान करवाने वाली होती है ना, त्रिकाला और त्रिवर्ग, तीनों को सिद्ध करने वाली, त्रिवर्ग को सिद्ध करने वाली है और त्रिकाल के ज्ञान को भी सिद्ध करने वाली होती है युक्ति ना।
ये ध्यान दीजिए, बहुकारण योग जन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कारणों के संयोग से उत्पन्न होने वाले जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम युक्ति कहते हैं, ठीक है। तो चतुर्विध प्रमाण के द्वारा हम पुनर्जन्म को भी हम प्रूफ कर सकते हैं, तो इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वाले पार्ट में।